हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग एक ही साथ एक ही वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न कराता हूँ भिन्न का जोड़। तो यहाँ पर देखिए, 2/3 + 5/2, ये आपका पहला प्रश्न है। तो अगर इस टाइप का भिन्न का जोड़ा है तो आपके सामने कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है, देखिए, अगर इसका हर बराबर नहीं है तो आप क्या करिएगा, इस 2 का गुणा इसके साथ करिएगा जो ऊपर अंश है। तो 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 3 का गुणा उसी तरह से 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगाइएगा, 3 और 2 का क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, 15 में 4 जोड़ लेंगे। जब 15 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना है, 6 है। अब यह देखिए, किसी भी संख्या से कटेगी नहीं, तो 19/6 फाइनल प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिए, इस तरह से भी भिन्न का जोड़ आपको मिल सकता है। 6/3 + 2/5 + 3/1 लिखा हुआ है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आए तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 3, 5 और 1 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं इनका एलसीएम निकाल कर आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3, 5, 1 का एलसीएम निकालना है, इस तरह से आप 3, 5 और 1 लिखिएगा। अब आप एक खड़ी पाही इस तरह से देंगे। अब छोटी संख्या से काटने का सदैव प्रयास करिएगा। यहाँ पर 2 से ये नहीं कटेगा तो 3 से काटिएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। 3 से 5 नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह से लिखेंगे, 1 है तो 1 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे। आपको सिर्फ इसी की आवश्यकता होती है। तो 3 और 5 आया है तो यहाँ पर 3 × 5 इस तरह से लिखेंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। यही 15 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इस 15 की ही क्या थी, आवश्यकता थी। अब आपको मालूम चल गया है कि 3, 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। तब आप क्या करिएगा, इस तरह से बटे का चिन्ह लाइएगा और नीचे क्या लिख लीजिएगा, 15 लिख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 है इसका पहाड़ा पढ़िए, जब तक कि 15 नहीं आ जाता। जब तक कि 15 आ जाए तो 3 × 5 = 15 यानी 5 बार में कट रहा है, तो उस 5 का गुणा अंश में करना होगा जो 6 है। तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 × 5 = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 15 नहीं आ जाए, यानी 3 से 15 को काटना है। तो 3 × 5 = 15, 5 बार में कटा है, उस 5 का गुणा क्या करना है, 6 में करना है जो ऊपर अंश होता है। तो 6 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 30 आएगा। उसी प्रकार से 5 से आप पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 15 ना जाए, यानी 5 से 15 को काटता है। 5 से 15 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। जो 3 बार में कटता है उसी 3 का गुणा जो ऊपर अंश रहता है उसके साथ करेंगे, यानी 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 3 दुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 है तो 1 से 15 कितनी बार में कटेगा, 1 × 15 = 15 यानी 15 बार में। तो इस 15 का गुणा 3 में करेंगे, 15 दिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर आप 45 लिखेंगे। अब आप क्या करिएगा, इन सभी को जोड़ लीजिए। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 45, 30 और 6। तो ये कैसे आप जोड़ेंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हासिल आपका कितना, 1 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ लीजिएगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 81 बन चुका है। नीचे कितना है, 15 है तो 15 लिखेंगे। अब ये देखिए किससे कटेगा, ये आपका 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 81 को काटेंगे तो 3 दुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शेष 2 बचेगा तो बन जाएगा 21। तो 3 × 7 कितना होता है, 21 होता है। 27/5 आया है तो ये किसी से नहीं कटेगा, 27/5 अब इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के जब आपको भिन्न का जोड़ मिलेंगे तो आप इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको भिन्न का घटाव बताता हूँ, सेम इसी तरह से है, उसे भी सीख लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, ये आपका भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव देखिए, ध्यान से समझिएगा, सेम उसी तरह से जैसे भिन्न का जोड़ है। प्रश्न है कि 12/5 − 3/2 है, इसको आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका आप हर बराबर करिएगा। तो 2 का गुणा 12 में करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
नीचे आपका क्या हो जाएगा, पाँच का उड़ा दो में कर लेंगे, पाँच दुना कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। अब आप 24 में से क्या करेंगे, 15 को घटा लेंगे। 24 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 गया आपका, कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर बन जाएगा 1, 1 में से घटाएंगे 0, यानी 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब आप बटे का चिन्ह लाएंगे, नीचे 10 है तो 10 लिख लीजिएगा। अब ये किसी से कटेगा नहीं तो 9 बटे 10 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए, 15 बटे 8 माइनस 10 बटे 8। अब मान लीजिए भिन्न का हर क्या हो, बराबर हो, तब आपको ये चीज़ अब करने की आवश्यकता नहीं है कि 8 का गुणा 15 में करेंगे फिर 8 का गुणा 10 में करेंगे। जब आपका भिन्न का हर बराबर होता है, अगर माइनस का चिन्ह है तो अंश को घटा लेंगे, अगर हर आपका बराबर है तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो इसको आप अंश को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हर बराबर है, माइनस का चिन्ह है तो अंश को हम क्या, ऊपर वाले को घटाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। नीचे आपका कितना है, हर बराबर है तो उसे एक बार लिखेंगे, 5 बटे कितना, 8। ये किसी से नहीं कटेगा तो 5 बटे 8 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब मैं आपको भिन्न का गुणा बताता हूँ, जरा उसे भी समझिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, ये आपका भिन्न का गुणा है। छठवां प्रश्न है भिन्न का भाग है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न का गुणा है 2 बटे 3 गुणे 5 बटे 6। इसका तरीका सीख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, आप इसको क्या इस तरह से तिरछा इसको आप काट सकते हो, यानी 3 से 5 कट सकता है, 2 से 6 कट सकता है, भले ये ना कट रहा है लेकिन इसका काटने का तरीका क्या है, आप इसको तिरछा काटेंगे इस तरह से, आप इसको ऊपर और नीचे काट सकते हैं, सीधे सीधे में आप इसे नहीं काट सकते। अब अगर मैं यहाँ पर और लिख दूँ, गुणे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि क्या 10 बटे कितना लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी अभी अगर 2 अंक का गुणा हो तो भी आप कर लोगे, अगर 3 यानी 3 भिन्न हो उनका आपस में गुणा करना हो तो भी आप कर लीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए मैं बोला सर तिरछा इसको काट सकते हैं, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर क्या है 10 है तो नहीं कटेगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, आराम से कट जाएगा। तो 2 से हम क्या 6 को काटेंगे जिससे सुविधा हो, 2 एक के 2, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए 3 से 10 तो कटेगा नहीं, यहाँ पर भी 3 है तो ऊपर सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 10 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 10 लिखूँगा। नीचे आपका 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, तो 10 बटे 9 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। आई बात समझ में, मैं 6 से 10 को इसलिए नहीं काटा क्योंकि अगर आप 2 से 6 को काट देते तो आप थोड़ा जल्दी इसको कर लेंगे, अगर 6 से काटते तो 2 3 6 होता, फिर 2 5 क्या होता, 10 होता। आई बात समझ में, फिर गुणा करते उसमें दिक्कत होती, इसीलिए मैं थोड़ा तरीका आपको बता रहा हूँ, आप भी समझिएगा। आप ऐसी संख्याओं से संख्याओं को काटिए जो फटाक से कट जाएँ। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का भाग का क्या नियम है, इसका थोड़ा नियम याद रखिएगा। 10 बटे 5 भागे 6 बटे 8, यानी 10 बटे 5 में आपको 6 बटे 8 से भाग देना है। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, 10 बटे 5 है तो इसे आपको 10 बटे 5 इस तरह से लिखना है। ये भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणे में बदल जाता है, और इसके आगे वाली जो भिन्न लिखी होती है उसे उल्टा लिखना पड़ता है। 6 बटे 8 है तो इसे हम 8 बटे क्या 6 लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये भिन्न का गुणा बन चुका है, अब आप इसे काट पीट के सरल कर लेंगे। 5 से हम क्या 10 को काट सकते हैं, तो 5 एक के 5 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से हम 6 को काट सकते हैं, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 8 बटे 3 आ चुका है। यही 8 बटे 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हमने आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और गुणा भाग आसानी से सिखा दिया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को चारों प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।